दोस्तों, मैं आपका फिर से अपने YouTube चैनल में खुशामदीद करता हूँ। यहाँ पे हम बड़ी ही दिलचस्प और खूबसूरत कहानियाँ सुनते हैं। आज की हमारी जो दास्तान है, इसका नाम गुलबकौली है। किस्सा गुलबकौली का शुमार काफी मशहूर दास्तानों में, जैसे किस्सा चहर दरवेश, किस्सा गुल सनोबर, किस्सा हातम ताई और दास्तान अमीर हमजा जैसी दास्तानों में होता है। गुलबकौली की दास्तान एक शहजादा जिसका नाम ताजुल मलूक होता है से मुंसलिक है, जो एक नायाब फूल की तलाश में निकलता है जिस फूल का नाम गुलबकौली होता है और जिसको हम अंग्रेजी जबान में नाइट क्वीन या एपिफाइलम ऑक्सीपेटलम कहते हैं, जो खास श्रीलंका के मुल्क में सबसे पहले पाया गया था। और अपने अजीब सफर में शहजादा ताजुल मलूक का सामना परियों की शहजादी से हो जाता है जिसका नाम बकौली होता है, और बकौली का हुस्न देखते ही शहजादा ताजुल मलूक को उनसे मोहब्बत हो जाती है। और काफ़ी सारी मुश्किलात और मसाइब का सामना करने के बाद आखिर शहजादा ताजुल मलूक गुल बकौली के साथ साथ परियों की शहजादी बकौली को भी हासिल कर लेता है। बकौली एक ऐसी पुरानी फारसी और हिंदुस्तानी कहानी है जिसको अंग्रेजों ने 19वीं सदी के आगाज में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुताबिकत दी थी। गुल बकौली इतनी मशहूर हुई कि उसका काफ़ी सारी जबानों में तर्जमा किया गया। गुल बकौली का सबसे पहला लिखित वर्जन सन 1804 ईस्वी में शाया हुआ, जिसको मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने जे बी गिलक्रिस्ट की सरबराही में शाया किया था। निहाल चंद की शाया करदा किताब मजहबी इश्क या द रिलीजन ऑफ लव असल में 18वीं सदी के एक फारसी लेखक शेख इज्जतुल्लाह की नसर ताजुल मुलुक गुल बकौली का तर्जमा है। इस खूबसूरत कहानी का लुत्फ उठाने के लिए और इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम मुंशी निहाल चंद लाहौरी की किताब से लिए हुए कुछ तस्वीरी स्लाइड्स बनाकर चलाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत और सबक आमोज कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए नई खूबसूरत और दिलचस्प सबक आमोज कहानियां ले आऊं। कहानियां अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत दिन पहले की बात है कि यूरोप के एक शहर का एक अजीम बादशाह था जिसका नाम ज़ैनुल मुलूक था, जो बहुत ही खूबरू होने के साथ साथ बड़ा ही आदिल और सखी इंसान था। ज़ैनुल मुलूक के चार बेटे थे जो काफी बहादुर और जवान मर्दी में एक दूसरे से कम न थे। और खुदा की शान क्या थी कि बादशाह का एक और बेटा पैदा हुआ जो बाकी चारों लड़कों से भी ज्यादा खूबसूरत था, जिसका हुस्न ऐसा था कि गोया चौधरी का चांद अपने जाहो जलाल में नमोदार हुआ हो। और बादशाह ने इस बेटे का नाम ताजुल मलूक रख दिया। बादशाह ने अपने इस खास बेटे का मुस्तकबिल और किस्मत जानने के लिए मुल्क के सबसे बड़े नजूमियों को बुलवाया और नजूमियों ने शहजादा ताजुल मलूक के बारे में पेशनगोई की कि बादशाह सलामत का ये फर्जंद निहायत ही खुशकिस्मत है और ये बड़ा होकर दुनिया की तमाम दौलत से मालोमाल हो जाएगा। दुनिया के सभी बड़े खजाने इसकी तहवील में आ जाएंगे। और इसके अलावा शहजादा ताजुल मुलूक बुलंद हिम्मत और इरादे का पक्का होगा। ये जिस काम का भी करने का इरादा करेगा उसे करके ही दम लेगा। लेकिन बादशाह सलामत के लिए एक बात ऐसी भी है जो उनके लिए तकलीफ का बाइस है। बादशाह ने कहा कि तकलीफों और परेशानियों का सामना करना हमें विरासत में मिला है। तकलीफों और परेशानियों से हम डरा नहीं करते। आप लोग इस तकलीफदेह बात को भी बयान करें। नजूमियों ने कहा कि वो कबाहत जो इसके साथ है वो ये है, क्योंकि बादशाह सलामत ने अभी अपने इस फर्जंद का खुद दीदार नहीं किया है। जो ही बादशाह सलामत की नजर इस पर पड़ेगी तो फौरन उनकी आंखों से बीनाई चली जाएगी। बादशाह ने बहुत नाशाद होकर नजूमियों को रुखसत कर लिया। बादशाह ने वजीर से कहा कि शहजादा ताजुल मुलूक की परवरिश ऐसी जगह हो जहां हमारी निगाहें किसी भी तरह इस पर न पड़ जाए।
वजीर ने बादशाह से कहा कि हुक्म की तामील होगी और बादशाह के दरबार से रुख्सत हुई। शहजादा ताजुल मुलुक की परवरिश बड़े ही नाज़ो नाम में अपने वतन से दूर हुई और जंगी तालीम के साथ साथ शहजादा ताजुल मुलुक को हर किस्म की दुनियावी तालीम दी गई। जब शहजादा ताजुल मुलुक जवान हुए तो एक रोज़ क्या होता है कि अचानक शहजादे का मन शिकार करने का हुआ और शहजादा शिकार करने की गरज से जंगल चले गए और इत्तेफाक क्या होता है, ठीक उसी जंगल में बादशाह ज़ैनुल मुलुक भी शिकार के लिए जा रहे थे और अचानक बादशाह ज़ैनुल मुलुक की नज़र एक हिरन पर पड़ी और हिरन को देखते ही बादशाह ने अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ाया, लेकिन हिरन बहुत ही तेज़ी से भागा और बादशाह हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते रहे, लेकिन न जाने कब वो हिरन बादशाह की नज़रों से ओझल हो गया और इत्तेफाक से वो हिरन शहजादा ताजुल मुलुक की तरफ जा निकला और न जाने कब शहजादा ताजुल मुलुक और बादशाह का आमना सामना हो गया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन न ही ताजुल मुलुक को अलम हुआ कि ये शिकारी उसका बाप है और न ही बादशाह ज़ैनुल मुलुक को अलम हुआ कि ये अजनबी शख्स असल में उनका बेटा है। गरज एक दूसरे से कुछ कहे बिना दोनों अपने अपने रास्ते को चल दिए, लेकिन बादशाह ज़ैनुल मुलुक अभी कुछ कदम ही घोड़े पे चले थे कि अचानक उन्हें सारा जंगल घूमता हुआ दिखाई देने लगा। बादशाह ने अपनी आंखें बंद करके जब खोली तो जिस तरफ भी उन्होंने नजर डाली हर तरफ बस सियाही नजर आने लगी और धीरे धीरे बादशाह की आंखों में अंधेरा छा गया। बादशाह ने अपना घोड़ा रोका और घोड़े से उतरते ही चिल्लाने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी आंखों को क्या हो गया, क्या मैं अंधा हो चुका हूँ। बादशाह को ढूंढते ढूंढते वजीर और उसके सिपाही बादशाह के पास पहुंचे और क्या देखते हैं कि बादशाह जमीन पर बड़ा ही अफसरदा और मायूस नजर झुकाए हुए बैठा हुआ था और सभी अपने घोड़ों को छोड़कर बादशाह के पास दौड़े और बादशाह की मायूसी की वजह पूछने लगे। और वजीर ने जब बादशाह की आंखें देखी तो घबरा कर बोला कि खुदा रहम करे बादशाह सलामत, आपकी आंखें तो सफेद हो गई। बादशाह ने बड़ी मायूसी और दबी आवाज में कहा कि आज तक बस ये सुना था कि अपनी औलाद को देखकर आंखों में नूर आ जाता है, लेकिन ये कैसा बेटा है वजीर आजम जिसे मैं महज एक अजनबी समझ रहा था और जिसको देखते ही मेरी आंखें अंधी हो गई। अब तक तो मैंने उसे सिर्फ महल से दूर रखा था, लेकिन इसे इस मुल्क से भी बदर किया जाए और इसकी माँ जिसने ऐसे मनहूस बच्चे को जन्म दिया उसे मेरी मलिका होने का कोई हक नहीं, उसे महल की झाड़ू देने वाली औरतों के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। वजीर आजम और उनके साथ जो सिपाही थे बादशाह के इस हुक्म को सुनकर खौफ खा गए, लेकिन किसी की क्या मजाल कि बादशाह ज़ैनुल मुलुक के उस हुक्म के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाल सकता था। गरज हुक्म की तकमील हुई और शहजादा ताजुल मुलुक को कुछ मामूली सामान और एक घोड़ा देकर मुल्क से दूर भेजा गया और मुल्क के बड़े बड़े हकीम, मौलवी, मुल्ला बादशाह के आंखों की बीनाई वापस लाने के लिए बुलाए गए, लेकिन सब ने लाचारी और बेबसी जाहिर की। एक बहुत ही बुजुर्ग हकीम और पीर दरवेश बोला कि अगर गुल बकौली मिल जाए तो बादशाह सलामत की आंखें तो क्या बल्कि पैदाशी अंधे आंखें भी नूर से मुनव्वर हो जाएगी। बादशाह की बीनाई वापस लाने का बस यही एक वसीला है और कोई नहीं। बादशाह ज़ैनुल मुलुक ने पूरे मुल्क में ऐलान करवाया कि जो भी शख्स गुल बकौली लाकर दे या सिर्फ उसका पता दे तो उसको नहायत ही अजीम और बड़े बड़े अनमोल एजाजात से नवाजा जाएगा। काफ़ी वक्त गुजर गया, बहुत सारे लोग गुल बकौली की तलाश में निकले, लेकिन किसी भी शख्स को गुल बकौली तो दूर बल्कि उसका पता तक भी मालूम न हुआ। और आखिर बादशाह के चारों बेटों ने बादशाह से अहद किया कि जिस तरह से भी हो वो अपनी जानें दाव पर लगाकर गुल बकौली को हासिल करके ही लौटेंगे। बादशाह की आंखें ये बात सुनकर नम हो गई और उनकी अंधी आंखों से आंसू आने लगे और बादशाह ने अपने बेटों से कहा कि वो फर्जंद जिसकी वजह से मेरी आंखें अंधी हो गई मुझसे बहुत दूर है और मुझे उसी का गम रुला रहा है
और ऐसे गम में मैं तुम चारों बेटों की जुदाई किस तरह बर्दाश्त कर लूं। ये बातें सुनकर शहजादों ने जवाब दिया कि हुजूर, वालिदैन की खिदमत करना औलाद का फ़र्ज होता है। वल्लाह, अगर हमें इस काम में अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, और जो इरादा हमने किया है हम उसे हरगिज नहीं मुंह मोड़ेंगे। गरज अपने दिल पर पत्थर रखकर बादशाह ने शहजादों को जाने की इजाज़त दे दी और रोते हुए उनकी पेशानियों को चूमकर उन्हें रुखसत किया। अपने मुल्क से निकाल दिए जाने के बाद शहजादा ताजुल मुल्क जंगल में रहने लगे थे और इत्तेफाकन वो चारों शहजादे उसी जंगल से गुजर रहे थे जिसमें ताजुल मुल्क ने अपना डेरा डाले रखा था। ताजुल मुल्क ने उन चार शहजादों को देखकर एक शख्स से पूछा कि ये कौन लोग जंगल से चले जा रहे हैं, तो उस शख्स ने जवाब में बादशाह ज़ैनुल मुल्क का हाल और उन चारों शहजादों का गुल बकौली की तलाश में निकलने का किस्सा सुना दिया। ये जानकर शहजादा ताजुल मुल्क काफी रंजीदा हो गए और दिल ही दिल में तंज करते रहे कि मेरे भाई जो गुल बकौली की तलाश में न जाने किन किन जंगलों की छांट मारे फिर रहे हैं, और एक मैं जो अपने बाप की नाबीनाई का सबब है यहाँ आराम और बेफिक्र पड़ा हुआ हूँ। मुझे चाहिए और मेरा फर्ज है कि मैं भी गुल बकौली की तलाश में निकलूं। ये बातें सोचते हुए शहजादा ताजुल मुल्क अपने घोड़े पर चढ़े और अपना घोड़ा चारों शहजादों के पीछे लगा लिया। चारों शहजादे जंगल जंगल सहरा सहरा गुल बकौली को ढूंढते फिरे और शाम के वक्त वो मुल्क फिरदौस में पहुंचे जिसके बादशाह का नाम रिजवान शाह था। और मुल्क फिरदौस पहुंचते ही शहजादों ने दरिया के किनारे अपने खीमे लगा दिए। थोड़ी देर आराम करने के बाद चारों शहजादे दरिया में नहा धोकर अपने साथ उठाए हुए हीरे जवाहरात लेकर शहर की तरफ सैर की गरज से निकले और चलते चलते शहर के वस्त में उन्होंने एक हसीन और खूबसूरत महल देखा। शहजादों ने महल की शान को देखकर आसपास के लोगों से पूछा कि क्या ये महल मुल्क के किसी बड़े अमीर और रईस आदमी का महल है या मुल्क के बादशाह रिजवान शाह का महल है। तो शहजादों को बड़ी ही अजीब बात मालूम हुई। पता चला कि ये बड़ा महल दरअसल एक खूबसूरत और मालदार औरत का है जिसका नाम दिलबर है। उसके हुस्न और उसके मालदारी के सबब न जाने कितने राहगीर बादशाह और शहजादे उनके गुलाम हो चुके हैं, और जो शख्स उस खूबसूरत और रईस औरत दिलबर के साथ शादी करने का इरादा रखता हो तो उसे महल के बाहर रखा हुआ ये नकारा बजाना पड़ता है और दिलबर उसे अंदर बुलाती है और दिलबर को हासिल करने के लिए उसके साथ ताश पत्ती खेलनी पड़ती है, और दिलबर की शर्त यह है कि वो उसी शख्स को अपना शौहर और आका बनाएगी जो उसे ताशबाजी में हरा देगा। लेकिन आज तक कोई भी शख्स उनको ताशबाजी में हरा ना पाया। ये बातें सुनकर शहजादे चौंक गए, लेकिन चारों शहजादे पश्ती खेलने में काफ़ी ज़्यादा महारत रखते थे और उन्हें अपने खेल पे काफ़ी नाज़ो गरूर था। और चारों शहजादों ने जाकर महल का नकारा बजाया और एक खादमा महल से बाहर निकलकर चारों शहजादों को बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ अंदर ले गई। दिलबर ने बहुत सारा सिंगार करके बड़े ही नायाब लाल गौहर से सजे हुए कपड़े पहने और चारों शहजादों को अपनी बड़ी शान दिखाने की गरज से सोने के बर्तनों में खाना खिलाया और फिर एक दूसरे कमरे में लेकर नहायत ही कीमती कालीन पर बिठाया और पश्ती खेलने का इंतजाम किया। कमरे में चार शमादान रखे हुए थे जिनकी रोशनी से पूरा कमरा जुलमिला रहा था, लेकिन इतनी सारी रोशनी के बावजूद दिलबर ने एक शमादान एक बिल्ली के सर पर रख दिया और शहजादे ये देखकर हैरान हो गए कि इस बिल्ली के ऊपर शमादान रखने के बावजूद ये बिल्ली ऐसी बैठी थी कि गोया कोई पत्थर की बिल्ली हो। अगरचे शहजादे पश्ती खेलने में बहुत माहिर थे लेकिन दिलबर के सामने न जीत पाए और सुबह होने तक जितनी भी बारी खेली बस हारते रहे और जो कुछ साथ में लाए थे सब कुछ हार बैठे और बड़ी ही मायूसी के साथ दिलबर के महल से निकल गए और आपस में बोलने लगे कि
कि गोली बकौली को हासिल करने की राह में ये पहली ही बाजी हम हार गए, जो कि एक अच्छा शगुन नहीं है। शहजादे पूरा दिन बेचैन और मायूस रहे और शाम होते ही फिर से दिलबर के महल जा पहुंचे और शहजादों ने उम्मीद लगाई कि आज वो पश्ती में उस औरत को हरा देंगे और अपना सारा माल हीरे जवाहरात वापस जीत जाएंगे। और उस रात भी वो बिल्ली सर पर चिराग लिए पूरी रात शहजादों का नसीब देखती रही और पिछली रात की तरह इस रात भी शहजादे हारते रहे और अपना सब कुछ गंवाते रहे। गरज वो अपने सारे घोड़े मालो असबाब सब कुछ दिलबर के सामने हार गए और सब कुछ हारने के बाद दिलबर ने शहजादों की तरफ हंसकर देखा और बोली कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, अब किस चीज की बाजी लगाओगे। शहजादों ने कहा कि ए रईस और ताश खेलने में महारत रखने वाली मलिका, हम एक आखिरी बाजी खेलेंगे। अगर हम जीते तो अपना सारा हारा हुआ मालो असबाब वापस लेंगे और अगर हारे तो ता उम्र आपकी गुलामी में रहेंगे। दिलबर ने उनकी ये शर्त भी मान ली और एक और बाजी लगा दी और इस बार अगरचे शहजादों ने बड़े ही ध्यान के साथ पश्ती खेली लेकिन फिर भी दिलबर के सामने जीत न पाए और दिलबर ने चारों शहजादों को अपना गुलाम बना दिया। इधर ताजुल मुलुक जो कि अपने भाइयों से अलग था, जब उसे शहजादों का गुलाम हो जाने की खबर हुई तो काफी ज्यादा मायूस हो गए। शहजादा ताजुल मुलुक जानते थे कि कुछ तो राज है जिसकी वजह से ये औरत पश्ती खेलने में हर वक्त जीत जाती है। वो राज जानने की गरज से शहजादा ताजुल मुलुक ने शहर के मालदार आदमी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली और तनख्वाह के जो पैसे मिलते थे उनसे शहजादा ताजुल मुलुक शहर जाकर पश्ती खेलना सीखते थे। और शहजादा ताजुल मुलुक ने महज कुछ ही दिनों में पश्ती खेलने में बहुत महारत हासिल की और बड़े बड़े खिलाड़ियों को पश्ती खेलने में मात दे दी। एक दिन शहजादा ताजुल मुलुक दिलबर के महल के पास से यूं ही टहल रहे थे कि उन्हें महल से एक बूढ़ी औरत निकलती हुई दिखाई दी। ताजुल मुलुक ने दरियाफ्त किया कि ये बूढ़ी औरत कौन है और मालूम हुआ कि ये बूढ़ी औरत दिलबर के महल की खादमीन में से है। और एक शख्स से ताजुल मुलुक को मालूम हुआ कि दिलबर इस बूढ़ी औरत से पूछे बिना कोई भी काम नहीं करती। ताजुल मुलुक समझ गया कि हो ना हो इस बूढ़ी औरत को महल के अंदर के सारे राज मालूम होंगे। इसके अलावा शहजादा ताजुल मुलुक को ये बात भी मालूम हुई कि ये बूढ़ी औरत अकेली और तनहा रहती है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत महल से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो ताजुल मुलुक बड़ी ही चुपचाप उस औरत के पीछे चले गए और उसका मकान देखकर वापस आया। अगले दिन शहजादा ताजुल मुलुक उस बूढ़ी औरत के मकान पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने जब दरवाज़ा खोला और शहजादे को देखकर बोली कि आप कौन हैं, ये पूछते ही शहजादा ताजुल मुलुक उस बूढ़ी औरत के कदमों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और मेरी बस एक बूढ़ी दादी बची हुई थी और वो भी कुछ दिन पहले ही चल बसी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सर पर अपना हाथ रखो और मुझे अपनी बेटी की तरह समझो। ये सारी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत का दिल भर आया। औरत ने शहजादे को उठाकर अपने हमराह मकान के अंदर ले लिया और बोली कि मेरा भी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बेटे अगर तू मुझे दादी दादी बुलाए तो मुझे बेहद खुशी और मसरत होगी। ताजुल मुलुक ने रोकर हंसकर और आंसू पोंछ-पोंछ कर उस औरत को अपनी दादी बना लिया और शहजादा ताजुल मुलुक हर रोज उस बूढ़ी औरत से मिलने आते थे। शहजादे की खूब मोहब्बत देखकर वो बूढ़ी औरत भी शहजादे को चाहने लगी और महज कुछ ही दिनों में ताजुल मुलुक ने उसके दिल में घर कर लिया और वो हर दिन मिलते और देर देर तक बातें किया करते थे। एक दिन ताजुल मुलुक ने उस बुढ़िया से कहा कि दादी मैंने सुना है कि जिस औरत के यहाँ आप काम करती हो वो बहुत ही मक्कार और धोखेबाज औरत है, तो फिर तुम उसके वहाँ काम क्यों करती हो। इस बात पे वो औरत बोली कि बेटा तू सही कहता है, वो औरत सच में बहुत ही मक्कार औरत है।
उसने तो अपनी चालाकी और मक्कारी से न जाने कितने अमीर और बड़े बड़े शहजादों को अपना गुलाम बना लिया है। ताजुल मुल्क ने पूछा, वो कैसे दादी? बुढ़िया बोली कि वो औरत जिसके यहाँ मैं मुलाजमत करती हूँ उसका नाम दिलबर है और वो पश्ती में किसी को भी जीतने नहीं देती। अब तक जिस शख्स ने भी उसके साथ पश्ती खेली बस हार ही गया। ताजुल मुल्क बोले कि बड़े ताज्जुब की बात है दादी, वो एक औरत होकर पश्ती खेलने में इतनी माहिर कैसे हो गई कि कोई शख्स उससे हरा ना पाया। बुढ़िया बोली, बेटा ये एक राज है जो मेरे और दिलबर के अलावा किसी को भी मालूम नहीं, जो मैं तुम्हें बताती हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं, वरना ये राज खोलने के जुर्म में ना ही मेरी मुलाजमत बल्कि मेरी जान भी ली जाएगी। शहजादा ताजुल मुल्क बोले कि दादी, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं जो अपनी दादी के लिए किसी भी परेशानी का बाइस बन जाऊँ। वो बुढ़िया बोली कि दिलबर ने अपने महल के अंदर एक बिल्ली पाल रखी है और एक चूहा। जब भी कोई शख्स उस औरत के साथ पश्ती खेलने बैठता है तो वो औरत उस बिल्ली के सर के ऊपर एक चराग रख देती है और वो चूहा उस चराग के साए में बैठा रहता है। और उस औरत ने उन दोनों जानवरों को ऐसे पालतू किया है कि जब भी वो पश्ती में हारने लगती है तो वो औरत फौरन बड़ी ही बारीकी से उस बिल्ली की तरफ अपने आंखों से इशारा करती है और उसका इशारा देखते ही वो बिल्ली नीचे को झुक जाती है और वो चूहा उछलने लगता है और चूहे का साया पश्ती पर पड़ता है। इधर चूहा उछलता है और उधर उसका साया पश्ती पे पड़ता रहता है, इसलिए खेलने वाले की तवज्जो खुद ब खुद बिल्ली की तरफ हो जाती है और दिलबर बड़ी ही चालाकी के साथ पासा बदल देती है और यूं एक हारी हुई बाजी भी जीत लेती है। ये राज जानने के बाद ताजुल मुल्क अगले ही दिन बाजार गए और एक नेवले का बच्चा खरीद लिया और उस रोज से ही उस नेवले के बच्चे को ऐसा सीधा करने लगे कि जैसे ही चुटकी बजा दी जाए तो बच्चा फौरन आस्तीन में से बाहर निकल आए। और दिन गुजरने के साथ नेवले का वो बच्चा शहजादे की चुटकियों पर अमल करने लगा। एक दिन शहजादा उस बूढ़ी औरत से 1,000 रुपये लेकर अमीर के पास गया और बोला कि मुझे अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होना है जो मेरे लिए बहुत ही खास है, लेकिन शादी में जाने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं। अगर आप मुझे अच्छे कपड़े दें तो मैं उम्र भर के लिए आपका शुक्रगुजार और एहसानमंद रहूंगा। उस अमीर शख्स ने ना ही ताजुल मुल्क को अच्छे कपड़े दिए बल्कि सवारी के लिए एक सफेद और कीमती घोड़ा भी दे दिया और उस शख्स का शुक्रिया अदा करने के बाद ताजुल मुल्क वो घोड़ा लेकर बड़ी ही शान के साथ दिलबर के महल जा पहुंचे और बड़ी ही जोर से महल के बाहर रखा हुआ नकारा बजाया। महल की खादमा दौड़ती हुई ताजुल मुल्क के पास आ गई और नहायत ही अदब और एहतराम के साथ शहजादे को अंदर ले गई और अपने दस्तूर के मुताबिक दिलबर ने ताजुल मुल्क की खूब खातिरदारी की और पश्ती खेलने के लिए दूसरे कमरे में उन्हें ले गई और अपनी पालतू बिल्ली के सर पर चराग रखकर ताजुल मुल्क के साथ खेल में मसरूफ हो गई। ताजुल मुल्क ने पहली बाजी 1,000 रुपये की लगाई जिसको दिलबर ने बड़ी ही चालाकी से और चूहे बिल्ली की मदद से जीत लिया और शहजादे ने दूसरी बाजी 1,00,000 रुपये की लगाई। जैसे ही उस बिल्ली ने दिलबर के इशारे पर अपना सर नीचे किया तो शहजादे ने चुटकी बजाई और नेवले का बच्चा अचानक आस्तीन से बाहर आया और उस चूहे की जानिब दौड़ा। नेवले के बच्चे को देखकर बिल्ली और चूहा डर के मारे भाग गए और भागते भागते बिल्ली ने सर पे रखा हुआ वो चिराग गिरा दिया। शहजादा ताजुल मुल्क ने दिलबर से कहा, किसी भी खेल में ऐसे कमजोर साथियों की मदद लेना आपकी शान के खिलाफ है। ये सुनकर दिलबर ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें शर्म से झुकाई। शहजादा ताजुल मुल्क अब बेफिक्र होकर खेलने लगे और कुछ देर में ही बाजी जीत गया। गरज सुबह होते होते शहजादा 1,00,000 रुपये जीत गए और सुबह होते ही दिलबर के महल से चले गए। अगली रात शहजादे ने फिर से जब नकारा बजाया, दिलबर उसके साथ खेलना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन खेलना पड़ा और जो भी बाजी लगी शहजादा हर बाजी जीतता गया।
शहजादे ने बहुत सारी अशरफिया, हीरे, मोती, जवाहरात और महल की हर चीज जीत ली। ये सब जीतने के बाद शहजादा ताज मुल्क ने कहा कि एक और बाजी लगा लेते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें इन चारों शहजादों को, जिनको तुमने अपना गुलाम बनाया है, आजाद करना पड़ेगा, और अगर तुम जीती तो तुम्हारा सारा हारा हुआ माल तुम्हें वापस कर दूंगा। दिलबर राजी हुई और बड़ी ही होशियारी के साथ खेल में मसरूफ हुई, लेकिन शहजादा ये बाजी भी जीत गया। आखिर जब वो औरत बहुत मायूस हुई और उसके पास कुछ भी न रहा तो बोली, अब मैं एक आखिरी बाजी खेलकर अपना नसीब आजमाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मेरा सारा माल वापस करोगे, और अगर मैं हारी तो तुम्हारी कनीज और तुम मेरे आका बन जाओगे। शहजादा ताजुल मुल्क मुस्कुराए और बोले कि मुझे ये शर्त भी मंजूर है। दिलबर ने अगरचे ये बाजी बहुत सोच समझकर खेली, लेकिन जीत न सकी और हाथ जोड़कर शहजादे के सामने खड़े होकर बोली कि मेरे आका, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, शहजादे और रईस लोग मुझे कभी हरा ना पाए, लेकिन आज मैं तुमसे हार गई और अब मैं आपकी लौंडी हूँ। मेरे सरताज, मेरे लिए क्या हुक्म है? शहजादा बोले कि मेरे चार भाई गुल बकौली की तलाश में निकले हुए थे और मैं भी गुल बकौली की तलाश करते करते उनके पीछे चला जा रहा था, लेकिन तुमने उनको अपना गुलाम बना लिया। मुझे गुल बकौली को हासिल करना है, क्योंकि गुल बकौली महज एक जरिया है मेरे बाबा जैनुल मुल्क की नाबीना आंखों को रोशन करने के लिए। मुझे ये बताए कि गुल बकौली मुझे कहाँ और कैसे मिलेगा। गुल बकौली का नाम सुनते ही औरत घबरा गई और बोली कि मेरे सरताज, गुल बकौली को हासिल करने का ख्वाब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बकौली परियों के बादशाह की बेटी है और वो फूल उसी के बाग में है, लेकिन बकौली के बाग के अंदर पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उनके बाग के चारों तरफ एक ऐसा दीवार बना हुआ है जिसको चूंटी तक भी पार नहीं कर सकती, और उस दीवार के पहरेदार बड़े बड़े जिन और देव हैं। इसके अलावा बेशुमार परियां हवा में उड़ती रहती है कि कोई परिंदा भी उस तरफ से न गुजर पाए, और इतना ही नहीं, जमीन के अंदर बड़े बड़े सांप और बिच्छू और चूहों का बादशाह निगरानी करने के लिए रखे गए हैं, और कोई जमीन के नीचे से भी बाग के अंदर दाखिल होने का सोच भी नहीं सकता। मेरे आका और मेरे शहजादे, मुझे खुदारा बताइए कि आप गुल बकौली किस तरह से हासिल करेंगे। शहजादा ताजुल मुल्क बोले कि इंसान अपनी ताकत से नहीं बल्कि वो अपने दिमाग और अकल की बदौलत दूसरों को गुलाम बना लेता है। मैं तुम्हें एक नहायत ही अच्छा किस्सा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप मुझे बताना कि मेरी बात किस हद तक सच है। एक रोज क्या होता है कि एक ब्राह्मण का एक जंगल से गुजारा होता है, तो अचानक उसने देखा कि जंगल का बादशाह एक शेर एक बड़े पिंजरे में बंद हुआ है। ब्राह्मण को देखते ही शेर ने बड़ी आजिजी से कहा कि मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा और किसी न किसी वक्त जरूर तुम्हारे काम आऊंगा। वो ब्राह्मण काफी सीधा साधा शख्स था और उसने बड़ी सादगी के साथ उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। शेर ने बाहर आते ही उस ब्राह्मण पर हमला करके उसे दबोच लिया। शेर उस ब्राह्मण को खाने ही वाला था कि उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी मदद की और तुम्हें उस पिंजरे से आजाद किया, लेकिन तू तो इतना एहसान फरामोश है कि जिसने तुझे आजादी दी उसी की जान लोगे, ये किस तरह का इंसाफ है। शेर बोला कि बेशक जो तुम्हारे साथ नेकी करे उसके साथ वापसी में बदी करनी चाहिए, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो किसी और से पूछ लेते हैं। और थोड़ी ही दूरी पर दोनों को एक बड़ा दरख्त मिला। जब ब्राह्मण और शेर ने अपना वाका उस बड़े पेड़ से पूछा तो वो पेड़ बोला कि ये शेर बिल्कुल सही कह रहा है और जिसकी बड़ी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं आते जाते मुसाफिरों को छाँव देता हूँ और मुसाफिर मेरी छाँव में आराम करते हैं, और जब निकलते हैं तो साथ में मेरी टहनियाँ काट लेते हैं। मैं तो उनके साथ नेकी करता हूँ, लेकिन बदले में वो मेरे साथ बदी करते हैं। ये सुनकर शेर ने एक जमाई ली और बोला कि ए ब्राह्मण, अब बताओ मेरी बात सही हुई या नहीं। ब्राह्मण ने कहा, ये बात हमें किसी और से भी दरियाफत करनी चाहिए।
तो अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे कि दोनों को एक गाय मिली और शेर ने उस गाय को सारा वाका सुना दिया और पूछा, जरा बताओ नेकी का बदला नेकी है या बदी। गाय शेर को देखकर डर रही थी और बोली कि आप ठीक कहते हैं, अब मुझे ही देख लो। इंसान मुझसे दूध हासिल करता है और उस दूध से कारोबार करता है, लेकिन जब मेरे धन सूख जाते हैं तो यही इंसान मुझे कसाब के हवाले करता है जो मुझे ज़बह कर देता है। शेर मुस्कुराकर आगे बढ़ा और क्या देखता है कि सामने एक लोमड़ी आ रही है। शेर ने यही बात उस लोमड़ी से पूछी, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और बोली कि मुझे तो इस बात पे कभी यकीन नहीं होगा कि जंगल का बादशाह एक इतना बड़ा शेर कभी किसी पिंजरे में भी कैद हो सकता है। शेर ने कहा, ये सच है। लोमड़ी बोली, मुझे यकीन नहीं। शेर गुस्सा हो गया और बोला, अगर तुझे यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ चलो। और पिंजरे को देखकर लोमड़ी बोली, ये पिंजरा तो बहुत छोटा है, इसमें एक इतना बड़ा शेर कैसे बंद रह सकता है। शेर ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं आता तो मैं अभी तुझे इस पिंजरे के अंदर जाकर दिखाता हूँ। शेर का पिंजरे के अंदर जाते ही लोमड़ी ने उस ब्राह्मण से कहा कि ए ब्राह्मण, अब तू मुझे दिखा कि तूने इस शेर को इस पिंजरे से कैसे खोला था। ब्राह्मण आगे बढ़ा और पहले की तरह इस पिंजरे का दरवाजा बंद किया और बोला कि अब मैं दरवाजा खोलकर बताता हूँ कि मैंने इस शेर को कैसे आजाद किया था। लोमड़ी हंसी और बोली कि ए बेवकूफ ब्राह्मण, ये बात याद रखो, अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन के साथ कभी नेकी नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा तुम्हारी नेकी का बदला बदी की शक्ल में देगा। इस शेर को कैद में ही रहने दे। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण खुश होकर चल दिया और लोमड़ी शेर की तरफ मुंह चढ़ाकर अपने बिल में घुस गई। ये किस्सा सुनाकर ताजुल मुल्क ने दिलबर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा सुनकर तुझे समझ आया होगा कि अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके इंसान बड़े से बड़े ताकतवर दुश्मन को भी अपना गुलाम बना सकता है। ये किस्सा सुनकर दिलबर बोली कि मेरे आका, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। शहजादा बोले, अब मैं गुली बकौली को हासिल करने जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरे चारों भाइयों का ख्याल रखना और अभी इसी वक्त उन सारे कैदियों को आजाद कर दो जिन्हें तूने गिरफ्तार किया हुआ है। दिलबर ने कहा, जो शहजादे का हुक्म। शहजादा ताजुल मुल्क ने दिलबर के बाद उस बूढ़ी औरत से रुखसती लेकर सफर की जानिब आगे बढ़ना शुरू किया। ताजुल मुल्क खुदा का नाम लेकर गुल बकौली की तलाश में निकले। Thank you.